आज हम बनाएंगे भेज कटलेट। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी टेस्टी है, बाहर क्रिस्पी अंदर सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे तेल। तेल को गरम होने देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों। अब इसे थोड़ी सी भून लीजिए। जब ये थोड़ी सी भून जाए, अब इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज। अब इसे हल्की सी ब्राउन कलर होने तक इसे भून लेनी है, यानी थोड़ी सी जैसे प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं ना, मुलायम हो जाती है, तब तक इसे भून लेनी है। अब ये हमारे भुन गया है। अब इसे ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच सौंठ पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यह हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे बीट, गाजर, शिमला मिर्च, सभी को हमने बारीक काट लिए थे। अब इसे ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी को हम भून लेंगे थोड़ी सी, यानी इसे हाई फ्लेम में भी भून लेंगे, लो फ्लेम में ना भुने, हाई फ्लेम में ही भुनने हैं। हाई फ्लेम में भुनने से जिस सब्जियों के अंदर में जो पानी निकलती है ना, वो निकलेंगे नहीं, इसलिए इसे हाई फ्लेम में ही भून लेनी है। हाई फ्लेम में थोड़ी देर भुनने के बाद इसे कवर कर लीजिए, कवर कर लीजिए 4 से 5 मिनट के लिए। इसे थोड़ी देर कवर कर लें, कवर कर लेने से ना जल्दी से पक जाती है। आप चाहे तो इसे भूनते हुए भी आप इसे पका सकते हैं। अब ये हमारी सब्जी देखिए पक गई है। आप चाहे तो इन सभी को कच्चे भी आप इसे डाल सकते हैं। तो हमने इसे थोड़ी सी भून लिए ताकि टेस्ट अच्छे लगे। अब इसे हम ऐड करेंगे, ये 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को इस तरह से ग्रेट कर लेनी है। आप चाहे तो मैश करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें ग्रेट करके डाल रहे हैं और ये हमने इसी तरह से दोनों आलू को ग्रेट कर लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा जितना पसंद है उसी हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब ये देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कस्तूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। अब इसे ऐड कर लीजिए धनिया के पत्ते ढेर सारे। आप अपने पसंद के हिसाब से धनिया के पत्ते भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इन सभी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, यानी अच्छे से इसे मिला लीजिए। जब आप धनिया के पत्ते ऐड कर रहे हैं तब गैस फ्लेम को अप कर दीजिए। अप करने के बाद इसे ऐड कर लीजिए, नहीं तो आपके धनिया के पत्ते पूरी तरह से गल जाएंगे। आप इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने गैस ऑन करके एक बड़ी सी कढ़ाई हमने गर्म कर ली। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। जब तक हमारे तेल गर्म होता है, चलिए हम जो मिक्सचर तैयार किए हैं और देख लेते हैं। यह हमारे थोड़ी सी ठंडी हो गई है। जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए, हाथ में पकड़ में आए, तब इसे इस तरह से आप रोल बना लीजिए, सिलेंडर आकार में बना लीजिए, नहीं तो आप इसे गोल आकार में बनाएं। जैसे आपको शेप अच्छी लगे, अपने पसंद के हिसाब से उसी तरह से शेप इसे बना के तैयार कर लीजिए, नहीं तो हार्ट शेप में भी बना के आप इसे तैयार कर सकते हैं। हमने इसी तरह से सिलेंडर आकार शेप में इसे हमने बना के तैयार कर लिया। इसी तरह देखिए हमारे कटलेट बन के तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, इसे भी बहुत अच्छी लगती है। और ये हमने लिया है 1 बाउल। अब इसमें हम ले रहे हैं सेवैयाँ, जो पतली वाली थोड़ी सेवैयाँ आती है ना, वो वाला सेवैयाँ हमने लिए हैं। अब दूसरी बाउल में हम लेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसमें हम खाली कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं 3 चम्मच। अब और 1 बाउल लेंगे। अब उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा,
ये हमने बड़े चम्मच लिए हैं, आप छोटे चम्मच ले रहे हैं तो दो दो चम्मच करके डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से यानी एक गाढ़ी सी घोल बना के इसके तैयार कर लीजिए, यानी गाढ़ी सी बैटर बना के इसे तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमारे बन के तैयार हो गई है, ये तैयार हो गई। अब इसे हम क्या करेंगे, जो हमने कटलेट तैयार करके रखे हैं ना, अब इसे क्या करेंगे, एक कटलेट इस तरह से उठानी है और जो कॉर्नफ्लावर हमने अलग से निकाला था सूखा, उसी में इसको इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। उसके बाद जो हमने घोल के रखा था बैटर उससे डाल दीजिए। उसके बाद जो सेवैयाँ हमने रखा है इसको इसमें डाल दीजिए ताकि इसे अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से इसे अच्छे से, ये देखिए हमारे अच्छे से ये सेट हो गई है। अब इसे एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह बाकियों को भी हम बना के तैयार कर लेंगे। और एक में बना के दिखा रही हूँ, ये देखिए जो कॉर्नफ्लावर है उसी में डाल देंगे। उसके बाद जो बैटर हमने घोल के रखा है फिर उसमें डिप कर लेंगे। उसके बाद जो सेवैयाँ हमने रखा है उसी में डाल के इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे सेवैयाँ को, ताकि इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए हमारे ये देवी दूसरी भी बन के तैयार हो गई है। अब इसी तरह ये देखिए हमने सभी को बना के तैयार कर लिए हैं, है ना। आप चाहे तो इसे थोड़ी देर रहने दीजिए तो अच्छे से सेट हो जाए, नहीं तो ऐसे ही फ्राई करना चाहते हैं ऐसे ही फ्राई कर ले सकते हैं। और ये हमने तेल जो गर्म करने के लिए छोड़ दिए थे, तेल हमारे अच्छे से गर्म हो गई है। अभी तेल में सभी को डाल देंगे, यानी जितना आपका तेल है उस हिसाब से अब इसे फ्राई कर लीजिए। हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे धीरे धीरे पकने दीजिए, इसे धीरे धीरे फ्राई कर लीजिए। आइए देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और उसी में ही तीसरा हम डालते जाएंगे। और ये इसे हमने प्लेट में रख लिए, ये देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो गई है। और दूसरी भी उसे हमने डाल दिए हैं तेल में, उसे भी फ्राई कर लेनी है सेम उसी तरह। इसे धीरे धीरे पकने दे ताकि जो सेवैयाँ ऊपर में लगे हैं ना तो वो अच्छे से फ्राई हो जाए, ताकि ऊपर क्रिस्पी बने और अंदर सॉफ्ट, खाने में भी टेस्ट है ना। और ये देखिए हमने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब इसे आप किसी चटनी के साथ या सब्जी के साथ, आपको जिसके साथ खाने के मन है आप इसी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा जरूर, ये देखिए कितने अच्छे से बने भी है। आप चाहे तो ऐसे खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं, सब्जियों की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है, बाहर क्रिस्पी अंदर सॉफ्ट, बहुत ही टेस्ट लगता है। एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन बटन का दबा दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।